हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को मतदान समाप्त हो गया। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम कैसे रहेंगे, इसे लेकर आप तक न्यूज हिंदी ने एग्जिट पोल किया। आप तक न्यूज हिंदी पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 90 में से 59 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें, INLD को महज एक सीट और JGP को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मतदान अगर हम फीसदी की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को 47%, कांग्रेस को 23% और INLD को 9% और JJGP को 3% और अन्य को 18% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। आप तक न्यूज हिंदी एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट फीसदी 27 से बढ़कर 36 पहुंच गया है। अब पार्टी के खाते में 123 सीटें आ सकती हैं। वहीं शिवसेना को 74 और हरियाणा महाराष्ट्र को लेकर किए गए एग्जिट पोल में कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD को सिर्फ एक सीट मिलने की संभावना है। चौटाला परिवार में झगड़े के चलते इस बार पार्टी उतनी सीटों पर भी जीत प्राप्त करती नहीं दिख रही, जितनी सीटों पर 2014 विधानसभा चुनाव में उसने विजय हासिल की थी। INLD को पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महाराष्ट्र में शिवसेना को, तो 74 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। चुनाव में से पहले शिवसेना आदित्य ठाकरे को CM के तौर प्रोजेक्ट करने का दावा करती है। उसकी पूरी कोशिश थी कि वह बीजेपी में ज्यादा सीटें हासिल करे, लेकिन शिवसेना इस बार भी छोटे भाई की ही भूमिका में ही नजर आ रही है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में से एक और चौंकाने वाला अनुमान ये निकल के आया है कि 2018 में बनी जननायक जनता पार्टी यानी JJP को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट फीसदी की बात करें तो भाजपा को 47%, कांग्रेस को 23%, INLD को 9% और JJP को 3% और अन्य को 18% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अन्य को 18% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि JJP INLD को वोट मिलाकर सभी 12% ही बैठता है। अधिक जानकारी के लिए आप तक newshindi.com पर जाकर विजिट करें या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ गया, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।